जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि छोटा सा क्लिप मैंने दिया था, दैट वॉज माई गोल्डन पर्ल अरवाना। सो यस, आज का जो वीडियो है ये टोटली गोल्डन पर्ल अरवाना के ऊपर रहने वाला है, और उसको कैसे पालना चाहिए, उसको कैसा टेम्परामेंट लगता है, उसका क्या टैंकमेट्स होते हैं, उसका एग्रेशन कैसा है और कितनी बड़ी होती है, एंड बाकी की सारी चीज़ें जानेंगे आज के वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए ये वीडियो में। तो चलिए, ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी लोग मुझे मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैं मतलब बहुत दिन से मैं अपडेट नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे जो मैं फिश रूम का जो अपडेट देने वाला था वो ऑल ऑफ अ सडन मतलब नागपुर में केसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गया था एकदम से। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने के कारण सारे जितना भी वर्किंग है वो पूरा का पूरा बंद हो चुका है, इसीलिए मैं फ़िश रूम के बारे में भी अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कंटेंट मैं सोच रहा था कि क्या लो, मैं बहुत कंफ्यूज था कि कैसे कैसा करना है, क्या करना है, तो इसीलिए भी ये सेके वन ऑफ द रीज़न है जो मैं नहीं ला पा रहा था। और एक और बात कि आप लोग में से मेरे को काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरा इंस्टाग्राम का प्रेडेटर पावर हाउस का जो मेरा अकाउंट है वो हैक हो चुका था, और उसमें यानी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था बहुत, मतलब करीबन मैंने 1 सवा महीना में उसमें एक्टिव नहीं था, कुछ भी अपडेट नहीं किया उसमें, कुछ भी नहीं, और इवन मेरे पास लास्ट जो मैसेजेस थे वो मतलब किसी को हेल्प कर रहा था मैं उसके फिश के रिगार्डिंग, बट मैं वो भी रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि वो हैक हो चुका था, अकाउंट मेरे मेरे हाथ में नहीं था। तो जैसे तैसे करके अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही वो रिकवर हुआ है। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोग को उस वक्त पर्टिकुलर वो टाइम पे जिसको भी मैं हेल्प कर रहा था उसको हेल्प नहीं कर पाया, बट वो चीज़ मेरे हाथ में भी नहीं थी। तो ठीक है, चलता है। आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि साउंड क्लियर नहीं आ रहा है और मेरा वोकल प्रॉपर नहीं आ रहा है, वोकल साउंड नहीं आ रहा है प्रॉपर, बैकग्राउंड म्यूज़िक डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप लोग के कहने पे और आप लोग का जो सजेशन रहता है वो 100% मैं मानता हूँ, उससे मुझे जो भी अच्छा हो वो चीज़ मैं 100% करने को देखता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये मेरा कॉलर माइक है, और कॉलर माइक मेरे रिसेंटली मैंने परचेज़ करके इसको अभी मैं आप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा कॉलर माइक के लिए। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए कि ये पूरे वीडियो में आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगी, अदर देन मतलब उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक रहेगा उसके अलावा भी आपको मेरा साउंड कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, आप मेरे को बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और इन केस अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं मेरे वीडियोस के साथ ये चैनल पे आऊँ तो तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियोस का लाभ उठा पाए। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। गोल्डन पर्ल अरवाना, जार्दिनी अरवाना, सारटोका, पर्ल अरवाना, ये सब क्या होता है? तो मुझे ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो चलिए आज मैं आप लोग को बताता हूँ। मुझे जितना पता है, मैंने भी जो पर्ल अरवाना, गोल्डन पर्ल अरवाना है उसको मैंने इतने में ही पाला है मैंने, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरे भी साथ कुछ घटना हुई है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, और इस दौरान मतलब मैंने जो पाला है उसे करीबन मेरे पास वो 1 साल था, मतलब है अभी भी, और वो मेरे फ्रेंड के यहाँ पे है, और उसके साथ में क्या हुआ, मैंने क्या किया, उसके ऊपर क्या चीज़ दिखी, कहाँ वो कुछ प्रॉब्लम हुआ उसे, वो सब मैं आप लोग को आज शेयर करने वाला हूँ, ताकि वो गलतियाँ आप भी ना दोहराए। तो चलिए अब बताते हैं, जैसे ये जितने भी वर्ड्स है, जैसे टर्मिनोलॉजीज है, जैसे भी ये सारटोगा हो गया या फिर गोल्डन पर्ल अरवाना हो गया, पर्ल अरवाना हो गया, तो ये सब जैसे मैं अरवाना बाद में बोल रहा हूँ, तो ये ये अरवाना की वन ऑफ द वेराइटी है। वन ऑफ द वेराइटी होने के साथ साथ ये अलग स्टैंड आउट इसीलिए करती है क्योंकि ये मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये एशियन अरवाना का बिगिनिंग मैं पकड़ूंगा इस चीज़ को, ये मेरे हिसाब से एशियन अरवाना का एकदम बिगनर लेवल का अरवाना वैरायटी है। और जैसे पूरे अरवाना वैरायटी में से बिगनर अरवाना जो होता है वो जनरली लोग सिल्वर परचेज करते हैं, और अगर किसी को पेटल
फिन एरवानास भी कहा जाता है, मतलब एशियंस को, मतलब यहाँ पे मैंने बहुत बार नागपुर में ये टर्म सुना है मैंने, तो उन लोगों को पूछा मैं भाई क्या होता है, तो उन लोगों ने बोला कि जो ऊपर का डॉर्सल फिन और उसका टेल एंड नीचे का एनल फिन, वो उसको जो तीन पेटल आते हैं उसको वो लोग उसको जो मतलब जो पैटर्न क्रिएट होता है वो लोग फ्लावर का पेटल बोलते हैं उसको, तो पेटल टेल एरवाना भी कहा जाता है इसको। और उसके अंडर में काफ़ी सारे वैरायटीज आती है जैसे मैंने आप लोग को बताया, तो ये वन ऑफ द वैरायटी है एरवानास में। एंड उसके बाद में जैसे ही एक्चुअली इसके पहले काफ़ी मैंने मतलब एशियन भी पाला है, एशियन में मेरे पास में सुपर हाई बैक गोल्डन एरवाना था, और मैं वैसे भी स्टार्टिंग से मतलब सिल्वर एरवाना पालते आ रहा हूँ, तो मैं बहुत मतलब बहुत जगह देखा मैंने, बहुत मतलब लोकली मेरे फ्रेंड्स के पास में भी अवेलेबल था, लोकल फ़िश स्टोर में भी ये फ़िश रहता था, और काफ़ी उसके बारे में न्यूज़ सुनने में आती थी कि ये एरवाना का सबसे डेंजरस वैरायटी है, बहुत अग्रेसिव रहता है, कोई किसी के साथ रहता नहीं है, कुछ भी डालो वो काटेगा, बहुत डेंजरस रहता है, और वो सब चीज़ मैंने बहुत सुना था। तो वो चीज़ की मेरे को क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा कि मैं कब पाल पाऊँ, तो फॉर्चुनेटली मैंने जो मेरा फ़िश जो था ये मैंने मेरे एक फ्रेंड से परचेज़ किया था, अनस अलमी, तो ये मैंने लास्ट परचेज़ किया था मई 2020 में उसके पास से। अब उनके पास वो फ़िश थी वो सेल कर रहे थे, तो मुझे एनी हाउ मतलब वो कैच भी अच्छा मिला, मेरे को फ़िश भी बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उसका जो बॉडी रेशियो है, उसका बॉडी का शेप था, फिन का शेप, फिन का रेशियो, बॉडी टू फिन रेशियो जो था वो बहुत मतलब हर चीज़ एकदम परफेक्ट था, पर्ल्स बहुत अच्छे डिफाइंड पर्ल्स थे। तो मैंने वो फ़िश को मैंने वहाँ से अनस के पास में से मैंने परचेज़ किया, एंड परचेज़ करने के बाद मैंने वो फ़िश मेरे पास अराइव हुई, और वो जो उस टाइम था मतलब मई का जो टाइम था पीक समर था, और शिपमेंट में वो ऐसा हो गया था कि फ़िश का जो मैंने वो कैरी बैग का जो पानी था वो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था, और मैं ये सोच रहा था कि शायद वो फ़िश थर्मोकॉल के बॉक्स में आएगी या इनकेस थर्मोकॉल के बॉक्स में नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ पैकिंग रहेगी कि जिसमें पानी एटलीस्ट गर्म ना हो और फ़िश को डैमेज ना करे। बट अनफॉर्चुनेटली पैकिंग तो जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटो, कुछ भी मतलब थर्मोकॉल का या थर्मल इंसुलेटेड ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था वो, और फ़िश का सिर्फ नॉर्मल पैकिंग था। फ़िश की पैकिंग अच्छी थी, मतलब पैकेट की पैकिंग अच्छी थी, बट थर्मल के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया गया था, और एटलीस्ट अगर उसमें ऐसी साइड में भी थर्मोकॉल के छोटे छोटे पीसेस लगा दिए रहते एटलीस्ट वो पैकेट के आजू बाजू, तो उसका ठंडा रहता था एटलीस्ट अंदर का जो उसका पानी है वो। बट जिस कंडीशन में मैंने वो फ़िश को मतलब हैंडल मतलब मैंने मेरे हाथ में वो फ़िश आई वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस थी, मतलब 90% के आसपास वो अनकॉन्शियस थी, मतलब वो बिल्कुल मतलब इतना गर्म था पानी कि वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रही थी वो बिल्कुल बहुत। मैं तो इसीलिए वो जैसे मैंने उस वो फ़िश को मैंने रिसीव किया तुरंत घर पे आया, तुरंत उसका वाटर एक्लेमेट किया, और उसका वाटर एक्लेमेशन का जो टाइम एक्चुअली हम लोग 10-15 मिनट्स रखते हैं, मैंने उतना नहीं रखा क्योंकि उसके हालत धीरे धीरे डिक्रीज़ हो मतलब उसकी हालत ख़राब होना चालू हो गई थी। तो जैसे मेरा वाटर ऑलरेडी सेटल्ड था, मेरा जो टैंक था उसमें जो साइकिल टैंक था ऑलरेडी वो उसमें काफ़ी पहले से ही उसमें ऑलरेडी फिशेस थी, तो उसमें पानी का भी प्रॉब्लम नहीं था, पानी भी पुराना था तो मैच्योर्ड वाटर था, तो मैंने वो पानी डालना उसमें चालू किया, तब जाके उसमें पानी थोड़ा ठंडा हुआ उसका, एंड देन ये जो पूरा ड्यूरेशन था मतलब उसका एक्लेमेशन से लेकर वाटर ऐड करने से लेकर सब कुछ तक वो करीबन 5-7 मिनट चला, और उसके बाद में मैंने फ़िश को टैंक में रिलीज़ कर दिया। फ़िश रिलीज़ करने के बाद का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली स्विम नहीं कर पा रही है, तो आई फील कि सेलर ने एटलीस्ट थोड़ा सा सोच समझ के या अपने तरफ से अगर थोड़ा एफर्ट डाल दे तो फ़िश की जान होती है वो एक थोड़ी बच जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट फॉर्चुनेटली मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको रखा, उसको देखभाल किया, उसकी केयर किया, तो वो 100% वो क्योर हो गई विद इन 2 or 3 डेज, नॉर्मल हो चुका था। खाना नहीं लिया था उसने बहुत दिन तक के, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन उसने खाना नहीं लिया मेरा इवन वो ठीक होने के बाद। बट मेरा जो टेक्निक रहता है कि अगर फ़िश अगर इनकेस खाना नहीं पकड़ रही है तो मैं किस वे से उनको फीड में लाने में उनको हेल्प करता हूँ वो चीज़ होती है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो क्या करता हूँ, वो टेक्निक क्या है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो मतलब स्पेसिफिक उसका अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि वैसा आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए।
तो जैसे तैसे करके वो फिश आई और मुझे जो फिश का जो साइज अवेलेबल हुआ था वो दैट वाज अराउंड 4.5 टू 5 इंचेस के आसपास था और आई वाज फाइन विद द साइज, बट जो प्रॉमिस किया था सेलर ने वो बिल्कुल भी मुझे नहीं मिला। बट ठीक है, मुझे फ़िश चाहिए था, पर्टिकुलर वो वैरायटी चाहिए थी और मुझे मिल गई थी, क्वालिटी अच्छी थी फ़िश की, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब फ़िश आ गई, वो फीड लेना चालू करी। अब उसके बाद जैसे आपने टैंक में देखा होगा कि मेरे पास में बाकी भी उसके टैंक मेट्स थे, तो उसमें जैसे आपको शॉर्ट बॉडी अल्बाइनो इरिडेशन शार्क के जो दो पीस दिख रहे हैं आपको, उसके बाद अपसाइड डाउन का पीस था उसमें, अपसाइड डाउन कैटफिश के उसमें पैर रखा हुआ था। तो ये सब फिशेस थे उसमें। वो पूरा सेटल होने के बाद, टैंक को एक्सप्लोर करने के बाद, यहाँ का कंडीशन से अडाप्ट होने के बाद, वो फिश बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, बहुत अच्छी तरीके से सेटल हुई, बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सप्लोर कर रही थी, फ्लेयरिंग कर रही थी, जब उसके पास जाओ तो वो एग्रेशन दिखा रही थी। एंड जैसे मैंने आप लोग को बोला कि ये एक्चुअल देखा जाए तो ये फिशेस की पिटबुल या रॉटवाइलर है, जैसे डॉग्स में ये दो वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वैसे ही एरोवाना में स्पेसिफिकली ये वेराइटी है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है बाय नेचर। ऐसा नहीं है कि उसको आप सिंगल टैंक में रखोगे तो कोई चीज़ एग्रेसिव हो जाती है, जस्ट लाइक फ्लोरॉन्स, मतलब फ्लोरॉन हो गया या कोई सिकलेट हो गया, जैसे उसको आप अकेले रख दो तो वो एग्रेशन उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ हम करते हैं तो होता है, बट पर्ल एरोवाना जो है वो बाय बर्थ या उनके जीन में ही या फिर उनका नेचर ही वैसा रहता है वो पर्टिकुलर वो फिश का, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो उसके साथ का भी आपको एक फ़नी किस्सा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो वो सब था, तो मैंने जो उसको, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने टैंक में कौन से टैंक में रखा था। मेरा जो टेरेस का टैंक है 4.5 बाई 2 बाई 2 का जो मेरा टैंक है, उसको मैंने एक छोटा सा पार्टीशन था, वो पार्टीशन अलग ही था, बट मेजॉरिटी जो एरिया था वो मेरे अरवाना के लिए छोड़ के रखा था मैंने। और उसमें उसको जो मैं उस वक्त फीडिंग दे रहा था वो मैंने स्टार्ट किया था पहले लाइव फीड से, लाइव फीड में उसको, फिर बाद में मैंने उसको प्रॉन्स में कन्वर्ट किया। मार्केट में जो वेट प्रॉन्स आते हैं, प्रॉन्स ख़त्म हो गए तो मुझे फॉर्चुनेटली मुझे क्रिल्स मिल गए, तो मैंने क्रिल्स फीड करना चालू करा। और साथ ही साथ में जैसे वो बढ़ते गया, हेल्थ बनती गई, सब कुछ होते गया, बट उस दौरान मतलब वो जो हुआ है कि ड्यूरिंग दिस वन ईयर, मतलब मई 2020 से लेकर ये मई अभी चल रहा है, मतलब ये टोटल एक साल हो गया, इस बीच में वो फिश की ना जो टैंक की शिफ्टिंग है वो बहुत बार हुई है, ऑलमोस्ट 6 या 7 बार उसकी शिफ्टिंग हुई है, मतलब अलग 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 टैंक में या वापस वही टैंक में गई, जस्ट बिकॉज कि मुझे किसी का मेडिकेशन करना पड़ा या मेरे पास टैंक खाली नहीं था या फिर किसी की फ़िश रखी हुई थी या उतना स्पेस नहीं था, तो मुझे बहुत बार उसको जंप करना पड़ा, जिसके कारण फिश हो गई थी स्टंट। मतलब उसका ग्रोथ रेट जो मुझे मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक साल में तो यार ये फिश काफ़ी बड़ी हो जाना चाहिए, ये चीज़ मैं भी सोच रहा हूँ, एटलीस्ट वो 12 इंच 15 इंच या अगर एटलीस्ट मेरे पास, जैसे आप लोग को पता है कि मैं थोड़ा, मेरे पास में जो फिश होती है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो वो फिश के एटलीस्ट ग्रोथ 16 टू 18 इंचेस के आसपास होनी चाहिए थी विद इन दिस वन ईयर। बट उसमें क्या हुआ कि वो फिश है मैक्सिमम वो 8 से 10 इंच के आसपास पहुंच पाई, मतलब हार्डली वो डबल हुई वो साइज़ की ये साल भर में। यस, वन ऑफ द रीज़न था, मतलब वन ऑफ द मेन रीज़न जो था वो फिश का बहुत बार शिफ्टिंग होना, वो डर जाता था, फिर खाना छोड़ देता था, फिर खाना पकड़ता था। टच वुड वो ऐसा था कि उसको आज तक के मतलब एक भी बीमारी नहीं हुई, अच्छी से है वो, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे से, मतलब कभी उसने खाना स्किप नहीं किया, जो भी उसे दो तो वो बहुत एक्टिवली उसे ग्रैब कर लेता था, तुरंत पकड़ लेता था, बहुत एक्टिव फिश। अब मैं टैंक में इसके बारे में अगर बात करूँ कि उसके साथ में क्या रखा जा सकता है, उसके साथ में पर्टिकुलरली अगर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पर्ल अरवाना या गोल्डन पर्ल जो भी होता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, पर्ल अरवाना जो है उसको आप सिंगल रखें तो ज़्यादा बेटर है, तो आप उसका एग्रेशन, उसका बॉसीनेस उसके टैंक में, वो अगर एक्सप्लोर है टोटली एस्टैब्लिश टैंक में, अगर आप उसको रख रहे हैं अच्छे से पाल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ बहुत बहुत खूबसूरत दिखती है। एंड देन उसके बाद में इनकेस अगर आपको कोई उसके टैंक में ऐड करना है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर अरवाना उसको बुली करती है तो वो उस
उस या उसको डैमेज करती है तो वो पैनिक ना हो, वो जो उसका टैंकमेट रहे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग ने देखा कि दो एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया है कि अपसाइड डाउन कैटफिश है या इरिडिसेंट शार्क है, मेरे पास जो शॉर्ट बॉडी एग्जॉटिक वेराइटी है वो थी मेरे पास में, ये दोनों को मैंने रखा था। साथ ही साथ इवन आप इसके साथ पैरट रख सकते हैं और कैटफिश रख सकते हैं, कैटफिश में मतलब रेड टेल रख सकते हैं या मॉन्स्टर वेराइटी की जो फिशेस आती है वो रख सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि उनका और इसका ग्रोथ रेट लगभग नियर अबाउट सेम रहे, तो आप लोग मतलब फिश को आपस में अगर झगड़ा हो तो या डैमेज इक्वल हो, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, उस तरीके से आप रखें। और इतना होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा कि आपको जानना पड़ेगा कि वो फिश का ग्रोथ रेट कितना है और आप जो भी टैंक मेट रख रहे हैं तो वो लगभग और नियर अबाउट सेम होना चाहिए, तो उन्हें ना 19-20 का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में जैसे मैंने आपको टैंक के बारे में बताया, फीड बताया, टैंक मेट्स बताया, टैंक का साइज़ बताया, अब इसमें यह था कि मेरा जो टैंक था जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में कि वो वाइट टैंक में रखा हुआ था, मतलब वो इसके पहले उसमें मेरा सुपर हाई बैक गोल्डन जो अरवाना था ऑरेलिया वो मैंने उसमें रखा था, वाइट टैंक ट्रीटमेंट चल रही थी उसमें, तो उसका मैंने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया था तब जब तक के वो था, मैंने उसमें ही रखा था। तो उसके कारण ऐसा हुआ कि उसके पर्ल्स बहुत ज़्यादा उभर गए, मतलब बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुए, एंड देन जैसे आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं कि उसके पर्ल्स का कलर इतना अच्छा आ गया था, ये वीडियो देख सकते हैं, ये सीमेंट का जो DIY टैंक है उसमें मैंने उसको शिफ्ट किया था, जैसे मैंने आपको बहुत जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मैं बहुत बार शिफ्ट कर चुका था उसको, तो ये वन ऑफ द वीडियो है उस शिफ्टिंग के टाइम का, तो ये बात है। और अब फनी इंसिडेंट मैं आपको ये बताता हूँ कि रिसेंटली मैंने ये जो सिल्वर अरवाना के साथ में मैं इसको मूव किया था, अब मेरा सिल्वर अरवाना नियर अबाउट 3 या 4 फीट के आसपास का है, उसके सामने ये एकदम पिद्दी सा दिख रहा था, बट स्टिल सिल्वर अरवाना को ये बुली कर रहा था, मतलब ये सिल्वर अरवाना के पीछे जा रहा था, उसको काट रहा था, उसको फ्लेयरिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार सिल्वर अरवाना शायद उसको पकड़ के शायद डैमेज करे या कुछ करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब सही था। एंड उसके नेक्स्ट डे ही मुझे मतलब मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि उसको चाहिए वो फ़िश, और मेरे पास एक्चुअली जगह भी नहीं थी, मैं चाह रहा था कि वो फ़िश एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए वो मेरे फ्रेंड के पास चले जाए। तो वो मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी मेरा बिजनेस पार्टनर है फ़िश फील्ड को रिलेटेड, तो उसको मैंने दिया, वो पाल रहा है अभी उस चीज़ को, एंड वहाँ पे भी वो बहुत हैप्पी है। एंड यस, उसका जो फीड है वो उसके पास में अब जैसे वो एग वाइट खिला रहा है, मतलब बॉइल्ड एग का वाइट खिला रहा है वो, तो बहुत अच्छे से उसने फीड लेना चालू कर दिया है। अब रही बात ये अरवाना की जो प्राइसिंग है मार्केट में, जो प्राइस आता है ये नियर अबाउट अगर आप 6 इंच के आसपास का अगर पीस पकड़ते हैं तो ये आपको नियर अबाउट 1800-2000 से लेकर 3,500-3,000 तक के मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी एंड द टाइप ऑफ सेलर यू आर सिलेक्टिंग। तो आप मतलब ये अलग अलग सेलर्स के पास में अलग अलग प्राइस रहेगा। तो अब जैसे मेरा जो फ़िश है साल भर में वो इतना ही बड़ा हुआ, जनरली जैसे ये जो फ़िश है मतलब पर्ल अरवाना जो है, ये पर्ल अरवाना का जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है, मतलब डोमेस्टिक में जो मैक्सिमम उसका ग्रोथ होता है वो 24, 25 या 26 इंच, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हालांकि वाइल्ड में ये जो फ़िश है ये 2.5 फीट, 3 फीट तक के बढ़ती है, और 3 फीट भी मतलब टोटल टच नहीं होती है वो, मतलब 3 फीट से 1.5-2 इंच कम रहती है वाइल्ड में, और उनका बट वो उनका जो बॉडी का विड्थ है वो बहुत बढ़ जाता है, थिक हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर से, और मतलब राउंड हो जाते हैं जैसे बढ़ना चालू हो जाता है, तो उनका ग्रोथ 18 इंच के बाद काफ़ी स्लो हो जाता है, और उसके बाद उनके बल्किंग चालू होती है। अब जैसे आप लोग को बताऊँ कि मैं बच्चे से 12 इंच तक के फिश लंबी बढ़ती है, 12 से 18 इंच तक के वो लंबा और राउंड होना दोनों चालू होता है, फिर 18 इंच के बाद में उसका लेंथ ग्रो करना स्लो हो जाता है और उसका बल्किनेस स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना, तो ये ऐसे स्टेजेस में वो बढ़ता है। और जो मैंने मेरे सामने जो सबसे बड़ा पीस देखा था दैट वाज अराउंड 25 इंचेस, मेरे एक लोकल पेट स्टोर में था वो, और एक्सेलेंट कंडीशन में रखा हुआ था वो, 6x2x3 के टैंक में था, 3 फीट हाइट थी वो, और उतने बड़े टैंक में वो अकेला रखा हुआ था, मतलब जैसे अगर ये डेस्क है मतलब मेन डेस्क है जहाँ पे वो ओनर बैठता है उसके गले के जस्ट बैक साइड वाले टैंक में वो रखा हुआ था,
तो इतना एक्सीलेंट था, मतलब उसको हाथ लगाओ तो वो उसके पास आता था, एग्रेशन दिखाता था जस्ट लाइक फ्लोरॉन, जैसे मतलब जैसे इंटरेक्ट करता है, जैसे रिएक्ट करता है वैसे ही सेम कर रहा था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। और उसी समय से मेरे को था कि मेरे को पालना है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आप लोगों को बस एक टिप मैं देना चाहूँगा कि पहली बात, कोई भी फिश आप जब परचेस कर रहे हैं तो उसको मल्टीपल शिफ्टिंग ना करें, कम से कम आप उसको टैंक से बाहर निकालें, मतलब एक बार अगर वो टैंक में गया तो आप उसका इवन वाटर चेंज भी करेंगे तो उसको नेटिंग करके डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको बार बार शिफ्टिंग नहीं करना, उसको वहीं रहने दें जहां वो ऑलरेडी है। अगर आपको लग रहा है कि उसको टैंक छोटा पड़ रहा है तो उसको आप टैंक शिफ्ट करते वक्त एक बार या दो बार, ठीक है, थ्रू आउट द उसके टाइम में जब तक कि वो आपके पास है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो उसको शिफ्टिंग कर रहे हैं तो बात अलग है। बट मुझसे जो गलती हुई है वो आप लोग ना दोहराएं, ताकि आप लोग को आपकी जो फ़िश है उसमें आपको टोटल जो ब्यूटी है वो हमेशा निखर के आए और आपकी जो फ़िश है वो स्टंड ना हो। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आई नो हल्का सा वीडियो बड़ा हो गया है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये साल भर में मैंने जो सीखा है, देखा है, इसके पहले भी जो मुझे पता था वो सब मैंने आप लोग को बताया है। बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।